यहाँ जो है किचन मेरे लिए बहुत काम देगा। भूल चुक से कभी किचन चले गए अगर कोई बात नहीं, ये हमको ताना दे रही है, एक दिन किचन में हम घुस के दिखाएंगे इससे अच्छा खाना बना के दिखाएंगे। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं हम आपका नए ब्लॉग में। इस नए ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, ये रही हमारी इंस्टाग्राम की आईडी, आप यहाँ पर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर हम डेली लाइव आते हैं और आप सबसे ढेरों बात करते हैं। तो जी शुरुआत करते हैं इस नए ब्लॉग की। और यहाँ पर जिया जो है बना रही है कद्दू का तरुआ, पकौड़ा, हम तरुआ बोलते हैं इसको, इसको तला जाता है तो तरुआ। पूरा कद्दू का चक्का बनाइए अच्छे से, बस इसका गाड़ी नहीं मिल रहा है। अच्छा, जैसा कि आप सभी को बताया था कि कुछ दिनों में हम लोग जो है ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे, और ऊपर में जो नया किचन है उस नए किचन के लिए हमने कुछ सामान मंगवाया है, और जो है आधे से ज्यादा सामान इनके पसंद का है, जैसे इनको किचन में काम। बिल्कुल जी, इस बार हम सोच रहे थे नए किचन के लिए हम भी थोड़ा बहुत जो है अपना बुद्धि लगा देते हैं, कभी कभी किचन में हमको भी जाना पड़ता है, तो मेरी पसंद का कुछ तो वहाँ रहना चाहिए ना। बहुत बढ़िया, कुछ तो कुछ इनके पसंद का होना चाहिए। आधे से ज्यादा इनके पसंद का है, कुछ कुछ मेरे पसंद का। अच्छा, बहुत सामान तो पहले से आया हुआ है उसमें। उसमें मेरे पसंद जा, एक तो चीज भूल ही गए, आप तो चश्मा लगाए ही नहीं। चश्मा लेते हो, वैसे चश्मा के बिना खराब लगते हैं ये। नहीं, बहुत क्यूट लग रहा है। ये सारा सामान हम मीशो से मंगाए थे, और आप में से बहुत लोग पूछते भी हैं कि मीशो से क्यों मंगा रहे हैं। मीशो से हाल में ही सामान सब खरीदना स्टार्ट किए हैं, और मीशो के बारे में हाल फिलहाल में ही पता चला है, और जो हम सामान खरीद रहे हैं यहाँ से, सच में हमारा तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, बाकी हमारा सारा सही रहा। क्वालिटी हमें लगता है शायद इसलिए सही रहता हो क्योंकि हम रिव्यू देख करके लेते हैं, जिसमें भी कम से कम 4+ रेटिंग रहता है, और जिसमें सबसे ज्यादा अच्छा खासा रिव्यू रहता है, मतलब अच्छे खासे लोगों ने परचेज कर रखा है। जितनी भी वेबसाइट है और वहाँ पर जो किसी भी प्रोडक्ट का इमेज रहता है, जाहिर सी बात है वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके इमेज डालते ही है, लेकिन जो कस्टमर जो अपना रियल फोटो भेजता है वो प्रोडक्ट का, तो वहाँ से हम देखते हैं कि यह प्रोडक्ट जैसा दिख रहा है वैसा होगा कि नहीं। यह जो तरीका है हमारा खरीदने का, जांचने परखने का, अभी तक हमारे काम आया है, आगे जब भी खराब होगा तो आपको जरूर बताएंगे। तो अब ज्यादा देरी नहीं करते हुए अब शुरू करते हैं वो सब प्रोडक्ट दिखाना। आज कितने एक्साइटेड है दिखाने के लिए, जब हम करते हैं तो अपना लेक्चर इनका खत्म ही नहीं होता है। हम खरीदे हैं तो एक्साइटेड नहीं रहेंगे। चलो आए है, चलो चलो, चलो। लौकी भी मंगवाए हो क्या जी? लौकी हाँ, जो किचन का सामान मांगो उसी में बना लेना इसको। बहुत बढ़िया, पहले सारा सामान ले आना। मतलब खोलने के लिए इतना हम बेचैन हैं कि दिखाने के लिए क्या। सोचो ये लाए अभी खोलने लगे हम, लाते दूसरा लाते। तो जी अब शुरू करते हैं आपको अपना सारा सामान दिखाना किचन का। तो हमारे बगल में देख रहे होंगे गुलदस्ता जैसा कुछ लगा हुआ है, तो ये गुलदस्ता नहीं है, ये लकड़ी का जो है सब कुछ जितना भी कुकिंग का सामान होता है, ये सब देखिए, चम्मच, छोलनी, चिमटा, छोलनी मिला है। ये क्या है? इसे कुछ तला जाता है, जैसे पूरी हुई। बिल्कुल, इससे पूरी सब तलने के लिए एक छोटा एक बड़ा, इस चिमटे से आराम से रोटी बनाइए, जैसे कि इन्होंने कई बार रोटी बनाया आराम से, है ना। इसमें से मेरे पास बहुत सारा सामान था ही, लेकिन इनका क्या कर सकते हैं जी। हमारा जो सारा सामान जो है सब था पहले स्टील सब में, तो सोच रहे थे थोड़ा लकड़ी वाला भी आना चाहिए। ये नहीं था हमारे पास। दाम जो है काफी कम लगा हमें, तो कहे कि चलो पूरा सेट ही मंगा लो, तो एक एक करके क्या मंगाते, अलग अलग करके मंगाते, थोड़ा ज्यादा पैसा लग जाता। मात्र 245 रुपये में ये सारा सामान आ गया, तो क्या सोचना फिर उसके बारे में। और ये जो है दाल सब घटने के लिए है ना, कोई बात नहीं, ये हमको ताना दे रही है, एक दिन किचन में हम घुस के दिखाएंगे इससे अच्छा खाना बना के दिखाएंगे। तो जी अब देखते हैं इनका दूसरा सामान क्या है। जिससे पहले कि मैं आपको अगला सामान दिखाऊं, मैं आपको बता दूं मीशो ऐप के बारे में जिससे हमने ये सब सारा सामान खरीदा है। अगर आप में से किसी को भी नहीं पता तो बता दूं, मीशो ऐप जो है इंडिया का सबसे बेस्ट रीसेलर ऐप है, और यहाँ पर जो है आप सामान खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो आप सामान को खरीद और बेच कैसे सकते हैं, इसके ऊपर पहले ही हम एक वीडियो बना चुके हैं, तो उसका लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस लिंक पर जाना और वह वीडियो देख लेना। क्योंकि यह रीसेलर ऐप है तो यहाँ पर सामान जो है होलसेल रेट में मिलता है, और यहाँ बाकी ऐप के मुकाबले थोड़ा सा सस्ता सामान मिल जाता है। दूसरा जो सामान मंगाए हैं, यह डोसा बनाने के लिए तवा मंगवाए हैं। हाँ जी हाँ जी, साउथ इंडियन खाने का बड़ा मन कर रहा है आजकल, और सोच रहे हैं बाहर खाने से अच्छा है घर में ही पत्नी बना के खिला दे। पत्नी बना खिला दे।
ये रहा हमारा जी डोसा पैन, देख सकते हो क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। हमको किचन के बारे में नहीं मालूम कि किचन में क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, लेकिन कुछ आइडिया है कि हमको क्या क्या खाना खाना है और उसके लिए क्या क्या जरूरत है मटेरियल सब। जी देखिए हमको इतना ये सब नहीं मालूम, लेकिन हम रिव्यू देख लेते हैं और जो कस्टमर प्रोडक्ट भेजता है हम वो देख लेते हैं और वहाँ देखते हैं सब कुछ अच्छा दिख रहा है तो हम ले लेते हैं बस। बचपन से तीसरा जो सामान है ये बगल में आपको कार्टून दिख रहा होगा बड़ा जैसा, खोल करके दिखाते हैं इसमें क्या है। ये निकल गया, यह हमने लिया है अपना फल और सब्जी रखने के लिए नए किचन के लिए। जी हम अपना भरपूर तैयारी कर रहे हैं कि मैं जो है चक्का भी है, चक्का लगा करके आराम से रहो उधर घर का। ये दाम है 844 रुपये जो कि लगा कि काफी रिजनेबल प्राइस है क्योंकि इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और तीन खटाल दिया हुआ अच्छा खासा सब्जी इसमें अट जाएगा। मार्केट में पूछे थे ना तो 1500 बताया था का जो है। लगभग 5 लोगों का फैमिली है, भाई तो ऐसे बाहर ही रहता है और मम्मी भी बाहर ही है तो 3 लोग हैं। वो देखे तो लगभग लगता है 1 महीने का हमारा राशन इसमें अट जाएगा। मेरा चेहरा ही नहीं दिखा, ऐसे ढका हुआ है। कोई बात नहीं, अब दिखा। तो मेरा चेहरा क्यों ढकना है। चलो चलो जी, अब अगला जो हमारा सामान है यह एक सामान नहीं है दो सामान, अभी बताते हैं आपको। ये देखिए रील पर वीडियो देखते हो अगर इंस्टाग्राम के यूट्यूब पर तो हम लोग स्प्राउट्स बहुत खाते हैं तो स्प्राउट्स के लिए जो है इस बार एक अलग सा ये ही ले लिया है बर्तन। अब इसमें जो है एक में चना डाल दीजिए, एक में मूंग डाल दीजिए, एक में जो भी है अपना डाल दीजिए। 3 खटाल आपको मिलेगा इसमें से। ये 2 का ही सेट मिल रहा था एक साथ तो हम ले लिए। ये कोई बात नहीं, वैसे जरूरत तो एक ही थी, एक एक्स्ट्रा है तो किसी और काम में आ जाए। वैसे भी ना इनको फालतू सामान एक्स्ट्रा सामान लाने की आदत, जब भी बोलो एक तो 2 ले आएंगे। अब आ गया तो क्या करें, तो देख के लेंगे ना। और ये पहली बार होता तो हम समझते कोई बात नहीं, तो कई बार हो चुका है। भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं, भलाई भी कोई याद नहीं रहता। जो अगला सामान है वो आपको दिखाते हैं। जैसा कि हम बताए कि हमको साउथ इंडियन खाने का बहुत शौक है आजकल और साउथ इंडियन बहुत पूरा तैयारी कर रहे हैं कि जिया महारानी जो है जल्दी से साउथ इंडियन बनाना सीखे और हमको घर बैठे बैठे साउथ इंडियन खाना खिले। तो अब दिखाते हैं क्या लिया है हमने। ये हमारा इडली के लिए है तो अब इसमें इडली बनेगा और इसको हम खोल के दिखाते हैं आपको कि ये इडली मेकर है। इसके अंदर जो है इसमें 2 खटाल है, हर के एक में 5 दिया हुआ है 5 इडली बनाने का स्पेस और दूसरे में दिया है 4 इडली बनाने का स्पेस, तो टोटल 9 इडली बन सकता है। और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, स्टेनलेस स्टील है। और इससे बड़ा साइज भी मिल रहा था लेकिन हम कहें कि पहले छोटे से शुरुआत करते हैं, पहले इतना तो खिला दे इडली। जी अगर आप भी यह सामान खरीदना चाहते हैं जो सामान हम खरीदे हैं तो हमने इसका प्रोडक्ट कोड जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। जी हमने पिछले भी 2 वीडियो में बताया है कि मीशो में जो है प्रोडक्ट कोड होता है, यहाँ लिंक नहीं होता, तो आप जो है प्रोडक्ट कोड को डिस्क्रिप्शन से कॉपी करके आप जो है मीशो ऐप में जाइए, वहाँ के सर्च बार में पेस्ट कर दीजिए तो आपको वह प्रोडक्ट दिखा देगा और आप वहाँ से ले सकते हैं वो, आसानी से ले सकते हैं। और यहाँ लिंक नहीं होता जी, आप में से कई लोग लिंक भी मांगते हैं तो लिंक नहीं होता, यहाँ बस प्रोडक्ट कोड होता है। और जो अगला सामान है ना वो मेरे पसंद का। हाँ जी, इसके लिए तो दिया ने भजर कर रखी थी कि ये कब आएगा ये कब आएगा, तो हमने ले लिया है ये। यहाँ है कटलरी सेट, मीशो में जो देख रहे थे इसका फोटो, तो फोटो देख करके ही अच्छा लग रहा था और जो रिव्यू देखे इसका तो इसका रिव्यू भी काफ़ी अच्छा सब था। सबसे जो ज़्यादा अच्छा लगता है वो है ये स्टैंड, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है और इसके अंदर चम्मच भी बहुत सारा मिला है। ये बड़ा वाला मिला है, इससे छोटा ये, उससे भी बड़ा ये, और इससे फॉर्क भी मिला है। और जी इसका जो प्राइस है वह है 482। तो अब दिखाते हैं आपको अपना अगला प्रोडक्ट। और जी अगला जो सामान लिए हैं वह लिए हैं ये, यह 3 का सेट मिल रहा था तो यह भी लगा कि अच्छा ही है, काम आ ही जाएगा। और जी अगला जो प्रोडक्ट है आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, जैसा कि आपको बताया था कि हम लोग स्प्राउट्स डेली खाते हैं तो स्प्राउट्स को हम लोग धोते हैं तो कई बार क्या होता है कि जैसे चना ही हुआ मूँग ही हुआ तो उसका पानी निकालते समय वह गिर जाता है, तो चावल धोते टाइम या चावल धोते समय, चावल धोने का तो हमने देखा, हम तो स्प्राउट्स के लिए स्पेशली इसको ऑर्डर किए थे तो, लेकिन यह चावल धोने के भी काम आ जाएगा तो इसमें डाल लीजिए और आराम से जो है पानी को गिरा लीजिए नीचे। यहाँ नेट जैसा बना हुआ है। इसका जो प्राइस है वह है 181। यदि आप भी इसे लेना चाहते हो तो इसका कोड हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो वहाँ से आप आराम से ले सकते हो। तो जी अब दिखाते हैं आपको अपना अगला प्रोडक्ट, वो भी मेरा फेवरेट है। जी आपने देखा है वीडियो के शुरुआत में बोल रहे थे कि खाली अपना पसंद का सामान कुछ, कुछ हम बोले थे कुछ कुछ मेरे पसंद का। अब जो है सच्चाई सामने आ रही है।
तो ये लिया है जिया ने मसाले का स्टैंड, ये सामने से दिखा देते हैं आपको। और यहाँ पर जो है इसको रोटेट भी कर सकते हैं जो भी और आपको। यहाँ पे एक आप फ्लावर लगा लो तो काफी अच्छा लगेगा। यहाँ जो है स्पेशली मेरे लिए बहुत काम देगा, भूल चुक से कभी किचन चले गए अगर तो मिलता ही नहीं है। सारा मसाला जो है एक जगह ही रहेगा, बस ऐसे ऐसे घुमा करके मिल जाएगा हमको मसाला, सब एक जगह ही रहेगा। आराम से निकल भी सकता है यहाँ से, सकते हो और ऐसे आप लगा भी सकते हो। और जो अगला सामान है उसे हम अभी यूज कर रहे हैं, जो हमें काफी अच्छा लगा था और घर में भी सबको अच्छा लगा था। तो आप दिखाओ जल्दी, टेबल पर रखा हुआ है तो आपको दिखाते हैं वहाँ पर। जी अगला जो सामान है वो है हमारा यह फल स्टैंड जो हमने लिया था, और यह जो हमें और जिया दोनों को बहुत ज्यादा पसंद आया था। यह स्टील का है और इसका जो क्वालिटी है बहुत अच्छा है, यह काफी मुझे देखने में अच्छा लग रहा है यह, कि आराम से फल लो और यहाँ पर रखो। तो जी यह था हमारा कुछ नया सामान जो हमने ऊपर के किचन के लिए मंगाया है। हम लोग शायद दीपावली के आसपास ऊपर में शिफ्ट करेंगे, अभी कुछ मंगाएंगे तो आपको जरूर दिखाएंगे। यह सब सामान आपको अच्छा लग रहा है तो सभी का कोड हमने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जा करके परचेज कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो को हम लोग जो है यहीं पर ख़त्म करेंगे, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूले, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।